हेलो दोस्तों, अगर आप भी बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड के लिए अप्लाई किए हो और कार्ड अप्रूव भी हो चुका है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग कार्ड को एक्सेस कर रहे हो, उसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से भी आप लोग कार्ड को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन अभी सवाल आता है कार्ड का जो फिजिकल वेरिएंट है उसका क्या होगा। मतलब डिजिटल तौर पर तो कार्ड आपके पास है, लेकिन फिजिकल वेरिएंट भैया कहाँ गया। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपना बात को नहीं रखता हूँ, जो ऑफिशियल जानकारी है वही आप सबके साथ शेयर करता हूँ प्रूफ के तौर पर, इसलिए साइट पर स्क्रीन भी है, ठीक है। और ये है बजाज फाइनेंस तथा बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल वेबसाइट, और मैं अभी हूँ FAQ पर, मतलब जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी है, ठीक है, वो है व्हेन विल आई रिसीव माय बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड। कहने का मतलब है मुझे कब मेरा बजाज फाइनेंस का EMI नेटवर्क कार्ड मिलेगा। आंसर देख लीजिए, आंसर पर क्या बताया गया है मैं आप सबको खांटी हिंदी में समझा देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो EMI कार्ड है ये डिजिटली अवेलेबल है फिलहाल, जो कि आप लोग बजाज फिनसर्व का एप्लीकेशन के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये डिजिटल फॉर्म पर आ चुका है और फिजिकल कार्ड अभी इशू नहीं होगा, और फ्यूचर में भी इशू होगा कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। आप अपना पूरा का पूरा जो नीड है इस कार्ड के माध्यम से पूरा कर पाएंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर के माध्यम से। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल कार्ड नहीं है कुछ काम रुक जाएगा, जो EMI वाला काम है, प्री अप्रूवल, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट EMI करवाना है तो भी आप लोग कर पाएंगे, अगर कार्ड के बेसिस पर प्री अप्रूवल लोन लेना है वो भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर वही काफ़ी है, बाकी आप सबको आई हो पता ही होगा। उसके अलावा नोट पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बताया गया है, अगर आपके पास ऑलरेडी फिजिकल कार्ड है सो जब तक ये एक्सपायर ना हो जाता है तब तक चलते रहेगा, और एक्सपायर हो जाने के बाद जो डिजिटल कार्ड मिलेगा उसके माध्यम से आप लोग अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल नीड रहेगा उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब 2021 में 2022 में इसका फिजिकल वेरिएंट वाला कार्ड था, लेकिन 2024 में फिजिकल वेरिएंट वाला कार्ड नहीं है। सो जिनके पास पुराना कार्ड है वो कार्ड तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन जब कार्ड एक्सपायरी हो जाएगा उसके बाद फिजिकल कार्ड उन लोगों को नहीं मिलेगा। साथ में जो लोग नया नया बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को भी फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा। जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी कार्ड मिलेगा वो मिलेगा डिजिटल फॉर्म पर, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को मिल गया है कंप्लीट जानकारी के साथ। फिर भी कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर पूछ सकते हो।